हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडियन यमी फूड। और अभी हम लोग फिर से जूनागढ़ में आ चुके हैं हमारी टीम के साथ। तो यहाँ पे श्रद्धा फास्ट फूड करके अंकल एक है। तो देखो यहाँ पे स्कूटर है, वास्पा का स्कूटर है ये। और अंकल पूरा इसमें मस्त क्लीनिंग के साथ सेटअप लगाया है। अंकल क्या नाम है आपका? रमेश भाई। हाँ, ये छोटी सगड़ी भी लगाई, इसका गैस रहता है इसमें नीचे। ये गैस है देखो, यहाँ पे देखो ये गैस का बोतल है इसमें। और यहाँ पे गर्मा गर्म वो सर्व करते हैं। पूरा ये सेटअप आपको लाइट के साथ, देखो अभी शाम के 6 बजे है, अभी लाइट के साथ यहाँ पे सेटअप लगा है। और वो भी स्कूटर में सेटअप लगा है पूरा। और कितने साल से अंकल करते हैं यहाँ पे? 5-6 साल। 5 से 6 साल हो गया, वाह। इससे पहले क्या जॉब वगैरह करते थे, क्या करते थे? इससे पहले मैं ओडिशा में था। कहाँ पे थे सर? ओडिशा में। वहाँ पे क्या करते थे? वहाँ पे रेडीमेड था। ओके, रेडीमेड का। अंकल ये एक बार दिखा दीजिए क्या क्या चीज है। देखो ये इसमें अभी इडली है। ओके, ये घर से आप बना के लाते हैं ना? घर से बना के लाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मेंदू वड़ा, देखो ये मेंदू वड़ा है, वो भी घर से फ्रेश ही बनाते हैं अंकल। वाह, सभी चीज़ घर से अंकल फ्रेश बनाते हैं ना। आपकी उम्र कितनी है? 60 ईयर्स के हो गए। मेंदू वड़ा का अभी डिश बन रहा है। ये क्या सांभर है ना अंकल? ये सांभर है अंकल, यहाँ पे देखो बनाते हैं। देखो ये अलग ही स्मेल आ रही है सांभर की, सुपर डिलीशियस लग रहा है। ये चटनी कौन सी अंकल डाल रहे हैं? कोकोनट। ये कोकोनट की नारियल की चटनी है। ये क्या डाल रहे हैं अंकल? ये टमाटर की चटनी है। वाह, देखो तो सर मतलब यहाँ पे अभी मैंने देखा नाश्ता आपने कर लिया। तो कितने टाइम से आप यहाँ पे आ रहे हैं? करीब 1 साल। 1 साल हो गया। और टेस्ट कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। महीने में 3-4 बार तो आते हैं। महीने में 3-4 बार सर आते हैं। और अंकल का स्वभाव कैसा लगता है? अच्छा लगता है स्वभाव, फैमिली जैसा लगता है। अंकल यहाँ पे प्रेम से खिलाते हैं। देखो ये अभी अंकल हमारे लिए दोनों इडली का भी एक डिश लगा दीजिए और मेंदू वड़ा का भी डिश लगा दीजिए। देखो अभी दो डिश हमारे लिए अलग अलग लग रही है। देखो अभी इडली वाली डिश हमारे लिए है। और ये यहाँ पे इडली वगैरह सांभर भी पूरा अलग स्टाइल से दे रहे हैं अंकल। ये इसमें मेंदू वड़ा है। देखो दोनों डिश रेडी हो चुकी है, इसमें अभी सांभर डालेंगे अंकल। देखो ये गर्मा गर्म सांभर है। अंकल सांभर ज़्यादा चाहिए तो मिल जाएगा बाद में? मिल जाएगा ना सांभर आपको ज़्यादा चाहिए कभी खाने के टाइम पे तो मिल भी जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। चटनी वगैरह भी आपको डालना हो तो डाल सकते हैं अलग अलग टाइप का। देखो ये कोकोनट की चटनी है, दोनों में डाल दिया है। वाह, डालना है ना? हाँ। देखो ये टमाटर की चटनी है। देखो ये मेंदू वड़ा की डिश रेडी हो चुकी है यहाँ पे। और ये दूसरी इडली वाली भी रेडी हो चुकी है। अंकल इसका एक बार प्राइस बता दीजिए हमारे दर्शकों को। ये प्राइस कितना है दोनों का? कितना प्राइस है? 20 रुपये। सिर्फ 20 रुपये प्राइस है? वाह, ये घर जैसा आप खिलाते हैं मतलब, और सिर्फ 20 रुपये प्राइस है। देखो तो आपको किसी को आना हो तो ये एरिया आपको मैं बोल देता हूँ, जूनागढ़ का है। देखो ये पूरा झांझरडा रोड है बोलते हैं यहाँ पे।
देखो यहाँ पे स्ट्रीट फूड लगाया जाता है ये लाइन पर, और यहाँ पे अंकल स्कूटर में मतलब उनका पूरा सेटअप लगाया है देखो। तो किसी को आना हो तो अंकल से, रमेश भाई करके भी है नाम उनका, और सद्दा फास्ट फूड करके भी फेमस है, और स्कूटर में पूरा सेटअप लगाते हैं। देखो ये दोनों मस्त डिलीशियस रेडी हो चुकी है।